अफजल प्रेमी गैंग के छिपे हुए प्रोपोगंडा को खुद अफजल गुरु के बेटे ने ही बेनकाब कर दिया है। जिस शख्स ने भारत के लोकतंत्र की आत्मा संसद पर हमले की साजिश रची, जिसके लिए उसे फांसी की सजा दी गई, उसके लिए हमारे देश के कुछ लोग बड़े आदर का भाव रखते हैं। कुछ दिन पहले अफजल प्रेमी गैंग के पत्रकारों ने अफजल गुरु के बेटे को पासपोर्ट दिलवाने के लिए झूठी रिपोर्टिंग की थी और जबरदस्त लॉबिंग की थी। इसके लिए राष्ट्रीय अखबारों में कई लेख लिखे गए, जिनमें ये बताया गया कि अफजल गुरु के बेटे को भारतीय नागरिक होने पर गर्व है, उसे अपने पास आधार कार्ड होने पर गर्व है और अब उसे भारत का पासपोर्ट भी चाहिए। देखिए कि कैसे खुद अफजल गुरु का बेटा ही अफजल प्रेमी गैंग के पत्रकारों की पोल खोल रहा है। ये इनका बेसिक इश्यू था कि मेरे पासपोर्ट के बारे में उन्होंने बोला था कि हम एक बाइट निकालेंगे आपके पासपोर्ट के बारे में, लेकिन जब भी मैंने उनका इस बार आर्टिकल पढ़ा तो उसमें क्लियरली डिफरेंट चीजें थी कि मैंने सिंपली एक उनका मेरा प्रोपेगेंडा यही था कि अगर मेरे पास आधार कार्ड या वाई कार्ड है पासपोर्ट, ये मेरे लिए प्रोपेगेंडा था। और उनको मैंने इसलिए बोला था कि पासपोर्ट फॉर एग्जाम्पल इस साल मेरा नीट का सेकंड ट्राई अगर नहीं हो गया और टर्की भी मुझे स्कॉलरशिप दे रही है, इसलिए मैंने उनको बोला था कि मेरा पासपोर्ट होना चाहिए। लेकिन उन्होंने क्लियरली डिफरेंट लिखा है इसके बारे में, उन्होंने थोड़ी अजीब चीजें भी लिखी है, मतलब अपना ही मिक्सअप किया है कि मैं इंडियन सिटीजन प्राउड हूँ। और दूसरी चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि हाउ कैन आई बी अ प्राउड इंडियन सिटीजन, उन्होंने मेरे पापा को मारा है, दे हैव डन इनजस्टिस विद माई होल फैमिली, दे हैव डन इनजस्टिस विद होल कश्मीर, तो मैं कैसे प्राउड कर सकता हूँ इंडिया का। मेरा यही प्रोपेगेंडा था कि बस मेरा जब मेरे पास आधार कार्ड है तो मेरा पासपोर्ट क्यों नहीं हो सकता। You want to pursue the dream of your father? हाँ, उनका ड्रीम यही था कि मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, नीट एग्जाम है इस साल मेरा, मैं वही परस्यू करना चाहता हूँ। और इसीलिए मैंने भी उन्हें बोला था कि अगर फॉर एग्जाम्पल नहीं हुआ, कुछ चांसेस ऐसे सर्कमस्टेंस हो गई कि मेरा नहीं हुआ इस साल क्वालिफाई, तो मैं बाहर जा सकता हूँ टर्की के लिए, यही मेरा प्रोपेगेंडा था बेसिकली। अब यहाँ सवाल ये है कि जब अफजल गुरु का बेटा खुद को एक प्राउड इंडियन नहीं समझता है, उसे खुद को भारतीय कहा जाना भी अच्छा नहीं लगता है, तो वो भारत के पासपोर्ट के लायक कैसे हो सकता है?